हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। जावा ट्यूटोरियल सीरीज में आज का टॉपिक हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इस लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था गाइस लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स में हमने सब कुछ पढ़ा था। गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप उसको पूरी तरह से ना लें। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं जावा के अंदर। फर्स्ट एक होता है लोकल वेरिएबल, सेकंड होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और थर्ड होता है हमारा स्टैटिक वेरिएबल। गाइस, स्टैटिक वेरिएबल्स को ही हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक गाइस इंस्टेंस वेरिएबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, एक एक लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, प्रैक्टिकली भी हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, या देखिए, इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द मेथड्स कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक्स। गाइस, इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर होते हैं, या कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक। यानी कहने की बात यह है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्लास के कर्ली ब्रैकेट में जरूर डिक्लेयर होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ देखिए गाइज, ये मेरी क्लास ओपन है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर मेरी क्लास को मैंने क्लोज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन गाइज एक यहाँ पर देखिए, हमने एक मेथड लिया हुआ है गेट स्टूडेंट डिटेल के नाम से, एक मेथड लिया हुआ है, और एक मेथड हमने लिया हुआ है शो स्टूडेंट डिटेल के नाम से। तो गाइज ये हमारे मेथड्स, दो अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने यहाँ लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं यहाँ पर देखिए आउटसाइड द मेथड। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लोकल वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था गाइज। तो लोकल वेरिएबल्स में हम लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़े थे, जो हमने सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, वो हम लोगों ने मेथड्स के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर या किसी स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। लेकिन गाइस अभी हम लोग हमारे जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं आउटसाइड द मेथड्स। ठीक है गाइस, तो ये जो मेथड्स हैं, यही मेथड्स हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अगर हमें पहचान करना हो कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं हमारे वो वेरिएबल्स जो हम किसी मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, या स्टैटिक ब्लॉक या नॉन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग नहीं लिखते हैं। इनको इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं गाइज, ये हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, इसलिए आप मेरा ये लेक्चर लास्ट तक देखते रहें। देखिए गाइज, यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन हीप एरिया। इंस्टेंस वेरिएबल्स गाइज हीप एरिया के अंदर स्टोर होते हैं, क्योंकि हीप एरिया के अंदर इसलिए स्टोर होते हैं गाइज, क्योंकि हमारे जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हमारे मेथड, हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर बनते हैं। ठीक है गाइज, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं गाइज। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है गाइज, एक क्लास है मेरे स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर तीन मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। एक स्ट्रिंग टाइप का नेम के नाम से है, एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर के नाम से, एक फ्लोट टाइप का फीस के नाम से है। ठीक है गाइज, और यहाँ पर देखिए कि मेरे पास इसी क्लास के, ये देखिए मेरे स्टूडेंट क्लास है गाइज। हम लोग क्लास को नॉर्मली डेटा टाइप ही बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह देखते हैं, सब जगह क्लास को एक ब्लूप्रिंट बताया जाता है और सारी चीज़ें हैं। ठीक है गाइज, वो एक डेफिनेशन तक ठीक है, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं ये क्लास एक डेटा टाइप है, लाइक इंटीजर, फ्लोट। ठीक है, डिफरेंस इतना है कि इंटीजर और फ्लोट है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो पहले किसी ने बना के रख दिए, किसी ने मतलब जावा जिन्होंने बनाई, उन्होंने हमें प्रोवाइड करवा दिए पहले से बना के। लेकिन क्लास गाइज हम लोग बनाते हैं हमारे अकॉर्डिंग, अगर कोई डेटा टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्टूडेंट ST1, स्टूडेंट ST2 और स्टूडेंट ST3, तीन मेरे पास गाइज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ST1, ST2, ST3 के नाम से। ठीक है, स्टूडेंट क्लास के मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट बने। तो यहाँ पर देखिए गाइज, हम बात करते हैं कि ये मेरा ST1 है, ये मेरा ST2 है और ये मेरा ST3 है। एक बात और बताना चाहूंगा गाइस कि मैं डेटा टाइप जो होता है कभी भी मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप मेमोरी के अंदर कभी भी स्पेस कंज्यूम नहीं करता है। अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो इंटीजर कभी भी मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसका कोई वेरिएबल है num1 के नाम से, तो वो वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम करेगा। सेम एज इट इज गाइज, हम बोल सकते हैं यहाँ पर ST1, ST2, ST3 ये तीनों वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप के डेटा के, स्टूडेंट टाइप के डेटा के। हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप एंड ST1 एंड ST2 एंड ST3 इज द वेरिएबल्स ऑफ
दैट स्टूडेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं ST1, ST2, ST3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ST1, ST2, ST3 बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात गाइस क्या है कि जब मेरा ST1 बना, तो उसके अंदर गाइस देखो एक नेम के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है, एक रोल नंबर के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, एक फी के नाम से वेरिएबल बना हुआ है। सेम एज इट इज ही एक ST2 के अंदर एक नेम के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, एक रोल नंबर के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, एक फी के नाम से वेरिएबल बना हुआ है। सेम एज इट इज ST3 के अंदर भी एक नेम, एक रोल नंबर, एक फी। ऐसे गाइज अगर मैं 1000 ऑब्जेक्ट भी अगर बना देता हूँ स्टूडेंट क्लास के, तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन वेरिएबल तो बने हुए आएंगे ही आएंगे, ठीक है गाइज। और ये कौन से वेरिएबल्स है गाइज, ये यही वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स है जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखो ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो गाइज इंस्टेंस वेरिएबल इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जावा के अंदर हम लोग क्लास के वेरिएबल को, ये हमारे क्लास के वेरिएबल है ST1, ST2, ST3, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ST जो हमारा नेम है, ये देखिए जो हमारा ये नेम है और रोल नंबर है और ये फीस है, इन तीनों, ये तीनों अपने लिए स्टूडेंट क्लास के लिए बनने वाले हर एक ऑब्जेक्ट में जगह बनाएंगे, ठीक है। ये तीनों इंस्टेंस वेरिएबल स्टूडेंट क्लास के जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे हर वेरिएबल में जाकर अपनी जगह बनाएंगे गाइस, इसीलिए इनको इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने लोकल वेरिएबल पढ़ा था गाइस, लोकल वेरिएबल कभी भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के अंदर अपने लिए जगह नहीं बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो और गाइस हमारा जो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट गाइस हमारा स्टोर होता है हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है गाइस। हमारा ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हीप मेमोरी के अंदर ही जाके स्टोर होते हैं। जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं सारे के सारे हीप मेमोरी के अंदर जाके ही स्टोर होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर अपने लिए स्पेस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट हमारा हीप मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है गाइस। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर्ड इन हीप मेमोरी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंस्टेंस वेरिएबल नीड नॉट टू इनिशियलाइज, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू मे बी एज फॉलोज। ऑब्जेक्ट के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नल होती है, इंटीजर के लिए जीरो होती है, फ्लोट डबल के लिए 0.0 होती है, बूलियन के लिए फॉल्स होती है, ठीक है गाइस। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल की कोई इनिशियल वैल्यू नहीं होती है, उसे यूज करने से पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर हम उसको लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर शो करेगा, ठीक है गाइस। और हम लोग अगर फोर्थ पॉइंट और देखते हैं तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट को दोनों एक साथ हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइस कि इंस्टेंस वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इफ वी हैव फाइव ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास देन फाइव कॉपीज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास 1000 ऑब्जेक्ट बनेंगे तो ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, इनकी एक एक कॉपी 1000 के अंदर जाके स्टोर होगी, 1000 में जाके एक स्टोर होगी। इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं गाइस, ठीक है। बाकियों का हम लोग प्रैक्टिकल और देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस हमने एक सेम क्लास स्टूडेंट क्लास बनाई हुई है, यहाँ देखिए ऊपर ये हमारा स्टूडेंट क्लास है गाइस। और यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रिंग वही सेम तीन वेरिएबल लिए हुए, नेम, रोल नंबर, फीस के नाम से, गेट स्टूडेंट डिटेल के नाम से हमने एक मेथड भी बनाया हुआ, ठीक है। अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, आगे जब मैं फिर एक एग्जांपल बताऊंगा उसमें मैं इसको लूंगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गाइस हम लोगों ने क्या किया हुआ कि मेन मेथड के अंदर स्टूडेंट क्लास का एक मेथड, स्टूडेंट क्लास का हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया ST1 ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। और फिर हमने क्या किया कि शो स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से एक मेथड है, इसके थ्रू हम लोगों ने नेम, रोल नंबर और फीस को प्रिंट कराने की कोशिश की है, ठीक है गाइस। लेकिन क्या कहीं हमने नेम, रोल नंबर और फीस के अंदर वैल्यूज इनपुट करवाई है गाइस? नहीं करवाई है हमने, कहीं पर भी वैल्यूज इनपुट नहीं करवाई है। तो देखिए गाइस अब ये क्या आउटपुट देगा हमारा, इसको मैं रन करवाता हूँ। देखिए ये नेम के लिए नल दे रहा है, रोल नंबर के लिए जीरो दे रहा है, फी के लिए 0.0 दे रहा है। तो मेरी फोर्थ लाइन गाइस क्या कह रही है, मेरी फोर्थ लाइन यही कह रही है कि ऑब्जेक्ट के लिए नल देता है, इंटीजर के लिए जीरो देता है और फ्लोट के लिए 0.0 देता है। यहीं पे मेरे पास है, ये देखिए ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये नेम उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है,
ये मेरे पास इंटीजर है, इंटीजर का एक वेरिएबल है रोल नंबर, फ्लोट है, फ्लोट का वेरिएबल है फी, तो फ्लोट के लिए 0.0 दिखा रहा है, रोल नंबर के लिए 0 दिखा रहा है और स्ट्रिंग के लिए गाइज इन डल दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू हम कैसे डलवाएंगे गाइज, इसमें हम वैल्यू डलवाएंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगर मैंने यहाँ लिखा मान लो गाइज की ST1, ठीक है, जैसे गाइज मैं डॉट लिखूंगा, डॉट लिख के देखिएगा यहाँ पर फी नेम और रोल नंबर तीनों मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये लोकल वेरिएबल होते तो मुझे यहाँ नहीं दिखाता, लोकल वेरिएबल को मैं किसी मेथड के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल को उस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि मेरे इंस्टेंस वेरिएबल डिफॉल्ट टाइप के हैं, डिफॉल्ट टाइप के सेम पैकेज के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है गाइज, एक्सेस मॉडिफायर्स का आप जब मेरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मैं ST1 नेम लिखता हूँ गाइज, ठीक है, और उसके अंदर मैंने लिख दिया गाइज जॉन। ठीक है, फिर मैंने लिखा ST1 डॉट रोल नंबर और इसके अंदर मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा ST1 डॉट फी और इसके अंदर मैंने लिख दिया 5,5600 रुपीज। ठीक है, अब देखिए मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो मुझे एरर देगा, एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट वैल्यू जावा के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं गाइस, तो वो बाय डिफॉल्ट डबल मानता है, लेकिन फी हमारा फ्लोट टाइप का है इसलिए हमको इसके आगे गाइस एफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफ लगाते ही मेरा हट जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखो इसको मैं कॉल करता हूँ, मेरा ST1 जो है शो स्टूडेंट डिटेल जो है उसको कॉल करेगा। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा नेम है, ठीक है गाइस, यहाँ पर जो मेरा नेम है उस नेम के अंदर जॉन आ चुका है, या नेम के अंदर मेरा जॉन आ चुका है, मेरा जो रोल नंबर है रोल नंबर में 1 आ चुका है और जो मेरी फी है उसके अंदर 5600 रुपीज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेरी 5600 आ चुका है, तो ST1 के अंदर मेरा आ चुका है। लेकिन वहीं पर गाइस अगर मैं यहाँ पर देखिए ST2 और यहाँ पर देखिए गाइस अगर मैं ST2 बना रहा हूँ, अब अगर मैं रन करवाता हूँ गाइस तो आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए अगर मैं ST2 के द्वारा शो स्टूडेंट डिटेल मेथड को कॉल कराता हूँ तो मेरा आउटपुट देखिए क्या आएगा गाइस। देखिए ये मेरा जॉन 1 और 5600 ये दे रहा है मेरा ST1 वाला, ये जो हमने यहाँ पर इनपुट करवाया है। ठीक है गाइस, तो जब मैं ST1 के थ्रू शो मेथड को कॉल करूंगा तो ST1 क्या करेगा, अपने साथ में जॉन लेके जाएगा, 1 लेके जाएगा और 5600 लेके जाएगा, जॉन नेम की जगह प्रिंट हो जाएगा, 1 रोल नंबर की जगह प्रिंट हो जाएगा, 5600 फीस की जगह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, लेकिन जब मैं ST2.showDetail मेथड को लेके जाऊंगा तो पहले हमें ऊपर देखना कि क्या मैंने ST2 के अंदर कोई इनपुट करवाया है गाइस, नहीं करवाया तो क्या करेगा कि इसके अंदर जो ये नेम पड़ा हुआ है, ठीक है गाइस, इसके अंदर यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर जो ये नेम पड़ा हुआ है, जो ये रोल नंबर पड़ा हुआ है, जो फी पड़ा हुआ है, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हुई है, नेम की जगह नल पड़ा हुआ है, रोल नंबर की जगह फी पड़ा हुआ है, सॉरी कि रोल नंबर की जगह 0 पड़ा हुआ है, फी की जगह 0.0 पड़ा हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यूज पड़ी हुई है। ठीक है गाइस, तो जब तक हम लोग इनपुट नहीं करवाएंगे जब तक काम नहीं करेगा, उसके डिफॉल्ट वैल्यू भी दिखाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड फोर्थ पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है कि हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतने ही हमारे लिए कॉपीज बनेंगी। जैसे मैंने अभी 2 बना चुका हूँ, मैं ST1 और ST2 बना चुका हूँ, तो ST1 और ST2 के अंदर इसकी कॉपी बनी है। ST1 के अंदर मैंने वैल्यूज डलवा दी तो नेम 1 रोल नंबर और फी में वैल्यू चलेगी, ST2 में मैंने वैल्यूज नहीं डलवाई तो वहां पर अभी नल पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, फी पड़ा हुआ है, सॉरी नल पड़ा हुआ है और 0 पड़ा हुआ है, 0.0 पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए फिफ्थ पॉइंट, इंस्टेंस वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। गाइस यहाँ पर देखिए हम जब भी किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उसको हमको न्यू कीवर्ड के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं हम लोग। देखिए न्यू कीवर्ड के थ्रू, न्यू कीवर्ड का क्या करता है गाइस कि ST1 और ST2 जो ऑब्जेक्ट बने हैं इन ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, हीप मेमोरी के अंदर स्पेस प्रोवाइड करवाएगा। अगर मैं हीप मेमोरी के अंदर स्पेस प्रोवाइड नहीं कराऊंगा तो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल जगह कहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही न्यू कीवर्ड मैं लिखूंगा, न्यू कीवर्ड लिखने के बाद ही मेरे इंस्टेंस वेरिएबल्स को जगह मिलेगी और वो इनिशियलाइज होंगे। अगर डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर हमने कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करवाया तो उनको डिफॉल्ट वैल्यू डल जाएगी। अगर हमने वहां पर कुछ वैल्यू इनपुट करवाई है तो क्या होगा गाइस कि वहां पर वो वैल्यूज दिखा देगा। जैसे कि देखिए गाइस यहाँ पर मैंने लिखा नेम और नेम के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राहुल और रोल नंबर के अंदर मैं लिख देता हूँ 1 और फी के अंदर गाइस मैं लिख देता हूँ
4500 रुपीज़। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया गाइज। ठीक है, अब देखिए गाइज, यहाँ पर मैं इसको प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। तो गाइज देखना, अभी मेरा जो ये नल आ रहा था और ये जीरो आ रहा था, 0.0 आ रहा था, इसकी जगह ये राहुल 1 और 4500 दिखा देगा, लेकिन ये एज इट इज ही दिखाएगा, जॉन 1 और 56 एज इट इज दिखाएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए इसको रन करवाते हैं। ठीक है, देखिए जॉन 1 और 5600 एज इट इज दिखा रहा है, राहुल 1 और 4500 ये इसकी तरह इसकी इसके लिए ले रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को इन वैल्यूज से हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इन वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया तो अब मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाया 3, इसको बनाया मैंने 4, और यहाँ पर भी हम इसको कॉल करवा लेते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, अब रन करवाएंगे। देखिए जो मेरा ST1 है, जहां पर मैंने ये वैल्यू डलवाई थी, उसके लिए तो यही वैल्यू आएगी, बाकी के लिए सबके लिए वही राहुल 1 4500, राहुल 1 4500, राहुल 1 4500 देगा। ठीक है गाइज, तो यहां पर अगर मैं इसको खाली छोड़ देता हूं, कुछ भी नहीं डलवाता, तो ऑब्जेक्ट के लिए नल आएगा, इंटीजर के लिए 0 आएगा, फ्लोट के लिए 0.0 आएगा। लेकिन अगर मैं इनमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कराता हूं, तो अब जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे सब वेरिएबल में इनिशियली यही वैल्यू डलेगी, राहुल डलेगी, 1 डलेगी, 4500 डलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपनी तरफ से कुछ डलवाना चाहते हो वैल्यू, जैसे हम लोगों ने यहाँ डलवाई है ST1 के लिए, तो उसमें राहुल की जगह जॉन कर देगा, और जो रोल नंबर 1 की जगह है उसके उसकी जगह इसका रोल नंबर 1 कर देगा, और फीस जहाँ 4500 है उसकी जगह 5600 उसने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज। लाइफ टाइम ऑफ एन इंस्टेंस वेरिएबल इज अंटिल द ऑब्जेक्ट स्टेज इन मेमोरी। जब तक ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी के अंदर है, जब तक आपके इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ है, जब आपका इंस्टेंस वेरिएबल आपका काम खत्म हो जाएगा, आपके सॉरी जब आपका ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम पर इंस्टेंस वेरिएबल अपने आप मेमोरी से फ्लश आउट कर दिया जाएगा JVM के थ्रू, क्योंकि जावा के अंदर हमारा जो गार्बेज कलेक्शन है ये JVM अपने हिसाब से मैनेज करती है। ठीक है गाइस, अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों हो सकते हैं। हम अभी इंस्टेंस वेरिएबल्स को नॉन स्टैटिक ही पढ़ेंगे, स्टैटिक हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है गाइस, और अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करते हैं, तो लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टैटिक हो सकता है, उसे हम स्टैटिक नहीं बना सकते। ठीक है गाइस, तो चलिए हम एक प्रोग्राम इसका ले लेते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और यहाँ पर उस प्रोग्राम को मैं देखिए पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। सेम वही है, स्ट्रिंग मैंने नेम रोल नंबर फी लिया हुआ है। यहाँ ही मैंने क्या किया गाइस कि एक मेथड बना दिया जिसमें मैं यूजर से ले रहा हूँ इनपुट्स। ठीक है, एक मेथड बना दिया जिसमें मैं इनपुट यूजर से ले रहा हूँ, तो यूजर मुझसे नेम के लिए पूछेगा तो उसको नेम दूंगा, रोल नंबर के लिए पूछेगा तो उसको रोल नंबर दूंगा, फीस के लिए पूछेगा तो उसको मैं फीस दूंगा। अब ये गाइस आपका आउटपुट के लिए है, नेम प्रिंट कराने के लिए, रोल नंबर प्रिंट कराने के लिए और फी प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर गाइज हम लोग देखते हैं कि इसको मैं यहाँ पर गाइज हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग रन करवाते हैं। तो सबसे पहले गाइज क्या हुआ कि मेरे ST1, ST2, ST3 तीन मेरे पास ऑब्जेक्ट बने मेमोरी के अंदर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी के अंदर तीन ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गए, मान लो कि ये मेरा ST1 है, ST2 है, ST3 है, और जैसे तीन ऑब्जेक्ट बने उनके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल भी बन गए, एक नेम बन गया, एक रोल नंबर बन गया, एक फी बन गया, फिर एक नेम बन गया, फिर एक रोल नंबर बन गया, एक फी बन गया, फिर एक नेम बन गया, फिर एक रोल नंबर बन गया, एक फी बन गया। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर बन गए। अब यहाँ पर देखिए गाइस कि यहाँ पर मैं ST1 के थ्रू गेट स्टूडेंट डिटेल मेथड को कॉल कर रहा हूँ। किसके थ्रू कर रहा हूँ? ST1 के थ्रू। तो गाइज आप जितने भी इनपुट्स जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं स्कैनर क्लास को काम में ले रहा हूँ गाइज। स्कैनर क्लास क्या होती है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आती है। ठीक है, स्कैनर क्लास का एक मैंने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है गाइज, और ऊपर देखिए कि स्कैनर क्लास है मेरे यूटिल पैकेज में आती है, यूटिल पैकेज की स्कैनर क्लास को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट करा लिया है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है SC के नाम से, और उस SC के थ्रू गाइज मैं नेक्स्ट लाइन मेथड जो है, जो कि यूजर से स्ट्रिंग लेने के काम आता है, और नेम मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग ले लेगा, स्ट्रिंग यानी नेम ले लेगा,
जो नेक्स्ट इंट मेथड है गाइस, ये मेरा इंटीजर लेने के काम आता है, तो रोल नंबर अगर इंटीजर टाइप का है तो रोल नंबर में डलवा देगा यूजर से लेके यूजर कीबोर्ड से जो भी देगा, और नेक्स्ट फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट लेने के काम आता है तो यूजर कीबोर्ड से फ्लोट टाइप की जो भी वैल्यू लेगा वो फ्लोट नाम के फीस नाम के वेरिएबल में डलवा देगा। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट टाइम जब कॉलिंग हो रही है तो कॉलिंग हो रही है ST1 के लिए, फर्स्ट टाइम कॉलिंग हो रही है ST1 के लिए, तो जो भी वैल्यू मैं डलवाऊंगा वो जाएगा गाइस हमारे ST1 के नेम के अंदर, ST1 के रोल नंबर के अंदर, ST1 की फी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जॉन डाला गाइस, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए जॉन हम लोगों ने पहले डाला हुआ है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि जॉन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, हमने वन किया तो यहाँ पर हमारा वन हम डलवा देंगे, और यहाँ पर मैंने 5600 किया तो 5600 मेरा यहाँ पर गाइस आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस फिर से नेम पूछ रहा है, अब वो नेम किसके लिए पूछ रहा है, वो नेम पूछ रहा है, अब हमारी ये वाले लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ये वाले लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो अब ST2 का नाम पूछ रहा है। ST2 का नाम गाइस मैंने मान लो कि यहाँ पर हैरी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने ST2 का नाम हैरी दिया तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास इसके नेम के अंदर हैरी आ जाएगा। ठीक है, इसके रोल नंबर में मैंने 2 दिया और इसकी फीस के अंदर मैंने 4500 दिया, तो इसकी फीस में मेरे 2 आ जाएगा रोल नंबर में, और 4500 मेरे इसकी फीस में आ जाएगा। ठीक है गाइस, 4500 इसकी मेरे मेरे फीस में आ जाएगा। वेट गाइस, ये मेरा 4500 रुपीज हो गया, ये मेरा इसकी फीस में आ गया। ठीक है गाइस, अब देखिए कि मैंने अपनी दोनों वैल्यू डाल दी गाइस, इसके बाद क्या किया इसने कि ये देखिए, ये इसने प्रिंट करवाया इसके बेस के ऊपर इसके बिहाफ पे कि ST1 से मैं शो स्टूडेंट डिटेल नाम के मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ये मेरा जस्ट ऊपर वाला दिख रहा है, ये शो स्टूडेंट डिटेल वाला मेथड है गाइज। ये नेम जो प्रिंट करवा रहा है वो ST1 का करवा रहा है, क्योंकि हमने अभी ST1 के द्वारा कॉल किया है। तो ST1 के नेम में क्या पढ़ा हुआ था, ST1 के नेम पढ़ा हुआ था JPHN पढ़ा हुआ था, इसने JPHN दिखा दिया। ठीक है, उसके रोल नंबर में 1 पढ़ा था, 1 दिखा दिया, फी के अंदर 5600 पढ़ा था, 5600 इसने हमको दिखा दिया। ठीक है गाइज, लेकिन अब ST2 के थ्रू भी गाइज उसने क्या किया कि हैरी दिखा दिया, 2 दिखा दिया, 4500 दिखा दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ST3.showStudentDetail जब मैं चलाता हूँ तो यहाँ पर गाइज देखिए, मैंने ST3 के अंदर कोई वैल्यू नहीं डलवाई थी। ST3 के यहाँ पर देखिए, मैंने ST3 है उसको कॉल ही नहीं किया। ST3 के थ्रू मैंने GetStudentDetail मेथड को कॉल ही नहीं किया। कॉल नहीं किया तो उसके लिए वैल्यू इनपुट नहीं हुई, वैल्यू इनपुट नहीं हुई तो उस कंडीशन में उसने क्या किया कि यहाँ पर स्ट्रिंग जो मेरा नेम है, ये मेरा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास नल आता है तो हम नल डाल दिया। रोल नंबर के लिए हमारा इंटीजर टाइप का 0 आता है तो उसने 0 दे दिया। फी हमारी फ्लोट टाइप की, उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 आती है तो उसने 0.0 डलवा दी। तो ये गाइज हमारा इसने यहाँ पर इनपुट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास इनिशियल वैल्यू नल है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 0 है और यहाँ पर मेरे पास 0.0। ठीक है गाइज, इनिशियली सबके अंदर भी यही था, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए थे गाइस तो इनिशियली इसके नेम के अंदर भी नल था, इसके रोल नंबर के अंदर भी 0 था, इसकी फी के अंदर भी 0.0 था, सेम इसकी फी के अंदर भी 0.0 था, इसके रोल नंबर में भी 0 था और इसके जो नेम है इसके अंदर भी नल था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने गेट स्टूडेंट डिटेल को कॉल करके यूजर से इनपुट लिया, नल की जगह जॉन हो गया, 0 की जगह 1 हो गया, 0.0 की जगह 5600 हो गया, नल की जगह हैरी हो गया, 0 की जगह 2 हो गया और 0.0 की जगह 4500.0 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ST3 के लिए मैंने कोई इनपुट लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ST3 जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है उसके थ्रू मैंने गेट स्टूडेंट डिटेल मेथड को कॉल नहीं किया। गेट स्टूडेंट डिटेल मेथड को कॉल नहीं किया तो उसने इनपुट नहीं लिया, इनपुट नहीं लिया तो उसने क्या किया, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दिखा दी कि नल पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, 0.0 पड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।